अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर नज़र और आप देख रहे हैं टेक्निकल लारकना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में जो कि बहुत ही कमाल की हैं और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। अब आपके लिए फायदेमंद कैसे हैं वो मैं आपको डिटेल बता देता हूं। एक जो एप्लीकेशन है उससे आपको ये फायदा होगा कि आप अगर किसी से भी आप चैटिंग कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर किसी पर्सनल बंदे से आप चैटिंग कर रहे हैं, तो साथ वाला बैठा हुआ बंदा आपकी स्क्रीन को जो है वो नहीं देख पाएगा, उसको जो है आपकी स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप जो है आसानी से अपनी स्क्रीन देख सकते हैं और चैटिंग कर सकते हैं। साइड वाला जो बंदा आपके साथ बैठा होगा वो आपकी स्क्रीन को नहीं देख पाएगा। तो उस एप्लीकेशन का नाम है फेक स्क्रीन। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर दें। दूसरी एप्लीकेशन जो आपको मैं बताने वाला हूं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोनों एप्लीकेशन जो हैं आप डिस्क्रिप्शन में जो दी गई लिंक्स हैं उसके थ्रू जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी जो एप्लीकेशन है वो एक वॉइस रिकॉर्डर के बारे में है। अगर आप किसी के साथ बैठे होते हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको जो है वॉइस रिकॉर्डिंग करनी होती है, उस बंदे की जो है आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो आप जो है मोबाइल खोल के तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, हो सकता है वो आपको देख ले। लेकिन अगर आपकी मोबाइल जो है आपके जेब में पड़ी हो या फिर आप 3 दफ़ा जो है आप अपने पावर बटन को इकट्ठे प्रेस करें तो आपकी वो रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको उस फेक स्क्रीन का रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैं फेक स्क्रीन को ओपन कर लेता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी मूड सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये टच मूड वाला जो है ये सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है ये आप ट्राई करें। इसमें ये होगा कि आप एक दफ़ा एक स्क्रीन को टच करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन होगी तो वो ऑटोमेटिक जो है उसमें एक इफेक्ट आ जाएगा जो साइड वाला बंदा है वो नहीं देख सकेगा। तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप साइड पे ये देख सकते हैं कि कुछ इफेक्ट यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे साइड पे मैं इस पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये स्क्रीन जो है इस तरफ मैं ही देख सकता हूँ और साइड वाला जो बंदा है वो नहीं देख सकता। अगर यहाँ पे मैं कोई भी अपनी चैटिंग वगैरह करना चाहूँ तो यहाँ पे आसानी से कर सकता हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो इफ़ेक्ट है ये लाइट को जो है डिम कर देता है और सामने वाला जो बंदा देखता है, अगर आप खुद चैटिंग कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन वो आसानी से नज़र आएगी और साथी वाले जो बैठे बंदे को जो है ये स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप नीचे नेविगेशन बटन देख सकते हैं कि वो किस तरह हाईलाइटेड है और स्क्रीन जो है यहाँ पे डिम हो गई है। तो दोस्तों, उसके बाद दूसरी जो एप्लीकेशन है वॉइस रिकॉर्डर की, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो उसका भी मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूं। तो यहां पे हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऊपर 3 डॉट यहां पे मौजूद हैं, यहां पे जस्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे सेटिंग में जाना है। तो यहां पे ये ऑप्शन देखना है कि आपके पास अनेबल है या नहीं। अगर आपके पास ये ऑप्शन अनेबल नहीं है तो इसको अनेबल कर दें। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है इस एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन की मदद से जो है आप 3 दफ़ा इकट्ठे जो है पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो ये रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक के बटन को आप प्रेस कर दें और मज़ीद इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे, वो वीडियो सबसे पहले देखने को आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।